देख रहे हो दिशा अपडेट न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ मधु राणा। भारत देश में जो लोग हैं वो धर्मों से बंधे पड़े हैं और हर एक बार हमारे देश में जो धर्म के सिलसिले में श्रद्धा भाव जो है निकल निकल के बाहर आती है। वृंदावन की बात करें तो वहाँ पर जो जन्माष्टमी है वो कुछ इस तरह से मनाई जाती है, मटकी और माखन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ की बात करें, आज हमारे चंडीगढ़ में भी 9 सेक्टर में सैलून में जो जन्माष्टमी का है उस मौके पर श्री कृष्ण जी, राधा जी, रुक्मणी जी का भरपूर तरह से मेकअप जो है उनका उस तरह से किया गया, जबकि आजकल के बिजी शेड्यूल में ये सब गायब हो चुका है। लेकिन एक पहल करते हुए जन्माष्टमी के मौके पर ऋचा जी ने एक खास जो है मेकअप के थ्रू, और कृष्ण जी को देखिए कितना लुभावना, हालांकि सांवला उनका रूप था उस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षण, और गोपियों को अपने पीछे लगा के रखते थे। ऋचा जी से बात करते हैं, आज उन्होंने वही सब निकाल के एक बार दोबारा प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। बात करते हैं, हेलो मैम, आज आपने जो जन्माष्टमी के मौके पर जो इतना सुहावने मतलब मेकअप किया है, कृष्ण जी को इतना अच्छा मेकअप दिया है, राधा जी को दिया, रुक्मणी जी को दिया है, तो आप किस तरह से मतलब कि आपने आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आज मैं जन्माष्टमी पर ये सब कुछ प्रस्तुत करूँ, जबकि आजकल बिजी शेड्यूल में ये सब कुछ गायब हो चुका है। जय कृष्ण। आज जन्माष्टमी, और मैं सबको जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कृष्ण जी के को सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, और कृष्ण जी को जाना जाता है उनके स्टाइलिश लुक्स के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए, उनके सजने संवरने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं माइथोलॉजी में जो ये ग्रूम्स थे, आज के जो ग्रूम्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो गए हैं। कई सालों में देखा था कि एक बार जब जो राजा रानी का हीरा या मैथोलॉजी का हीरा था उसमें मेन तैयार होता था, सजता था, सवरता था, ज्वेलरी पहनता था और सारे श्रृंगार करता था, वो हल्के हल्के ख़त्म होता गया। लेकिन अब कुछ सालों से देखा है कि मेन फिर से जागरूक हो रहा है, सजने लगा है, सवरने लगा है, छोटे छोटे फंक्शंस में भी तैयार होता है, दुपट्टा भी ले रहा है उस, वो भी ज्वेलरी भी पहनता है, वो हेड गियर्स में भी अपना बहुत सुंदर से हेड गियर्स वगैरह है उसमें भी ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंटली तैयार होते हैं। और अब जो ग्रूम सारे हमने देखा है वो मेहंदी भी लगाते हैं, चाहे थोड़ी लगी हो तो वो भी पूरा वापस से सजना सवरना, वो ईरा वापस आ रहा है। और अगर हम बात करें मेंस ग्रूमिंग की, तो श्री कृष्ण जी से अच्छा जो स्टाइल है, जो उनका खूबसूरती है, वो कौन डिपिक कर सकता है मेन में। तो वो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं शादी ब्याह में जैसे लोग अब इस तरह से मेकअप जो है एक्सेप्ट करेंगे और बढ़ चढ़ के आगे आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल मेन आ रहा है, मेन मेकअप भी करा रहे हैं, वो मेहंदी भी लगाते हैं, हेड गियर सजते भी हैं, तो ये सब आ रहा है। उसके अलावा लेडीज़ में भी जो फ्यूजन आ गया था, जो वेस्टर्न डोमिनेट करने लग गया था बीच में लुक्स, अब वापस से वो कल्चरल लुक्स, जो पुराने लुक्स हैं, जो जैसे कि जोधा अकबर लुक्स है, आजकल की ब्राइड्स बहुत उस तरह से, जो रुक्मणी लुक्स हमने क्रिएट की हैं उस तरह के, जो माथा पट्टी टिक्का और यू नो ट्रेडिशनल लुक्स हैं, राधा में जैसे आप देखेंगे कि राधा में छोटी चोटियाँ वापस आ गई हैं, उनमें फ्लावर्स के साथ छोटी एक फ्रेशनेस है, और जो उनका ज्वेलरी भी है, जो स्टाइल है वो वापस आया है और बहुत लोग करा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं राधा जी का जो जिस तरह से उनको सजा के सामने पेश किया गया है, चोटी का इस्तेमाल किया गया है, मैम सही कह रहे हैं, गजरा और चोटी जो कि आज के टाइम पे गायब हो चुका है, जुड़े ने उसकी जगह ले लिया, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से कमरबंद भी प्रॉपर, देखिए आप मेकअप को किस तरह से उन्होंने दिखाया गया। यहाँ पर बात करते हैं कृष्ण जी की, मैन जो हैं वो इस तरह से आगे आ रहे थे कि भी बहुत सिंपल सिटी में उसमें आ रहे थे, बट आप देख सकते हो कृष्ण जी का मेकअप जिस तरह से किया हुआ है सादगी से भरपूर है, लेकिन जैसे पहले राजा के टाइम पर कृष्ण जी के टाइम पर होता था उस तरह से निकाल के कुछ सामने लाया गया है। बात करते हैं रुक्मणी जी की, आप देख सकते हैं राजस्थान में जैसे से मांग टीका इस्तेमाल किया जाता था सेम उसी तरह से किया हुआ, सिंपल का सिंपल है और सुंदरता भरपूर जो कि निकाल कर ऋचा जी ने सामने रखी हुई है। आज के टाइम पर जहां पर किसी के पास इतना टाइम नहीं रहा, लेकिन ऋचा जी ने एक पहल की है ताकि जन्माष्टमी के मौके पर साथ में जन्माष्टमी का भी सेलिब्रेशन हो जाए और एक मेकअप का जो हमारे उसमें से लुप्त हो चुका है वो भी सामने निकाल के रखा जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं मधु राणा, चंडीगढ़।